उसके अंदर बहुत ग्लास है और आपने इसके बाद वो बुक्स है ना रखे और वो भी ले आना ठीक है। मैडम हाँ प्लीज जल्दी करिए बहुत हैवी है ये। एक्सक्यूज मी हेलो हु आर यू व्हाट आर यू डूइंग माय फ्लैट कौन हो तुम सॉरी सॉरी अली अली चिल्लाना मत सब आ जाएंगे एक मिनट मैं यहां से क्यों जाऊं ये मेरा फ्लैट है मुझे तुमसे ये सवाल करना चाहिए यार और ये गृहस्थी उठा के कहां आ रही हो अच्छा ये तुम्हारा फ्लैट है मुंबई में ना फ्लैट खरीदने के लिए जेब खाली करनी पड़ती है एक सेकंड रुको ये रही ब्रोकरेज रिसीट इसमें सारी डिटेल्स हैं तो ये घर मेरा हुआ एक मिनट पकड़ो लीज के पेपर्स है पढ़ना आता है पढ़ लो ये पेपर्स फेक है सॉरी अच्छा ये पेपर्स फेक है सिर्फ तुम और तुम्हारी वो चूरन की बुढ़िया जो तुम मुझे दिखा रही हो वो ओरिजिनल है हा? पूरी दुनिया फेक है मैं नहीं मैं है बबल हा? ये फ्लैट फ्लैट नहीं डेजर्ट है वो टीवी थोड़ी ना है शट अप लिसन दिस इज माय फ्लैट सो प्लीज लीव अरे अरे आवाज क्यों कम हो गई चिल्लाओ ना दिस इज माय फ्लैट और जोर से चिल्लाओ एक सलूशन है क्या अगर आप साथ रह लो दोस्त ना सही हमदर्द बन के दूसरे के यार ब्रोकर कैसे बने आपको ना डॉक्टर होना चाहिए आपके पास हर प्रॉब्लम का कितना अच्छा इलाज होता है ना स्टूपिड कह के आपको शर्म नहीं आती मैडम ऑनर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि बैचलर्स को फ्लैट रेंट आउट नहीं करने का ओनली मैरिड पीपल मैंने झूठ बोल के भाई साहब को दिलाया है कि ये मैरिड है इनकी वाइफ आने वाली है और किस्मत से आप आ गई सो इट्स परफेक्ट यू नो व्हाट मैं एक बार सोचती भी पर तुम जैसे घर पर मैं कभी नहीं रह सकती अरे मेरी बला से I came here first. This flat is mine. Hello, मैंने सारे पैसे दिए. I'm going to stay in this flat. हाँ तो मेरे पास papers है lease के. मेरे पास brokerage की receipt है. मैं क्या करूँ? चलो बैठो साथ में रहते हैं. मुझे कोई problem नहीं है. मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ. मैं किसी को बुला के तुम्हें बाहर फेंकवा दूँगी यार. Help me do. मैं शायद गलत time पे आ गई. नहीं आंटी. आइए. क्या बात है वाइफ के आते ही शुरू हाँ नो आंटी सोनिया ये हमारी लैंड लेडी आंटी है बाजू वाले बंगलों में रहती है अब तुम लोग सेटल हो जाओ उसके बाद एक दिन घर पे आना मेरे हाँ डिनर के लिए आंटी पानी तो पी के जाइए सोनिया ये क्या बात हुई यार आंटी के लिए पानी तो लाओ चलो 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 जल्दी जाओ आंटी एक मिनट तुम होते कौन मुझे अपनी व्यू बनाने वाले लैंड लेडी के सामने चिल्लाती क्यों है यार पहले मेरी बात सुन फिर जितना चिल्लाने चिल्ला मैं ना इस शहर में नया आया हूँ तुम्हारी तरह अगर ये फ्लैट हाथ से निकल गया ना तो रोड पे आ जाऊंगा यार मुझे अपना दुखड़ा क्यों सुना रहे हो मेरे पास अपने कम प्रॉब्लम्स है क्या मैं तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा इस अनजान शहर में एक इंसान ही तो एक इंसान के काम आता है ऐसा मेरी माँ कहती थी तुम अपने आप को मेरी तरफ रख के देखो ना यार इस क्राइसिस में तुम कहाँ जाती ऑलरेडी सड़क पे हूँ और कहाँ जाती मैं देखो कुछ नहीं होता है हस्बैंड भाई नाटक ही तो करना है सबके सामने इस घर में हम दोनों अजनबी ना बात ना चीख ओके अच्छा एक काम करते हैं कुछ दिन ट्राई करते हैं अगर नहीं जमा ना तो मैं फ्लैट छोड़ के चला आऊंगा यू स्टे हियर अलोन ओके ठीक है मेरे रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा और मैं रात को ही तुम्हें रूल बुक दे दूंगी अभी मुझे इंटरव्यू के लिए जाना वहीं तो लेके जाओ You know guys, जिंदगी में बहाने बनाना बहुत आसान होता है। जब कुछ समझ में ना आया तो बहाना बना दो। लेकिन कई बार बहाने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दे जाते हैं। कि उसी तरह जिस तरह से तुषार और सोनिया को उनके बहानों ने बहुत कुछ दिया अब इन दोनों की एक कॉमन प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई जैसे बड़े शहर में इनके पास रहने को घर नहीं था नाउ उस घर के लिए इन दोनों ने झूठ मूठ के
पति पत्नी बनने का नाटक किया और घर में रहने लगे। फिर क्या प्रॉब्लम शुरू, जहां पर तुषार एक बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी गोइंग लड़का था, वहीं दूसरी तरफ सोनिया वॉज अ वेरी फोकस्ड वेरी करियर ओरिएंटेड गर्ल। अब इनका ये जो अरेंजमेंट है ये इन दोनों के लिए क्या स्यापा लेकर आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वेल देन वेलकम टू ये है आशिकी स्यापा इश्क का को पावर्ड बाय लावा स्मार्ट। लेट्स वॉच। हाय विजन क्या प्लीज वेट यू विल बी कॉल्ड इन। थैंक यू। यू हियर? अरे कब तक एक दूसरे को देख के ऐसे शॉक्ड होते रहेंगे यार। यहाँ भी आ गए? अब मियाँ बीवी का रिश्ता है, सात जन्मों का बंधन, यू नो। शट अप। ओके। अरे यार इस फैशन हाउस में मुझे इंटर्नशिप मिली है एज एन असिस्टेंट डिजाइनर टू द हेड डिजाइनर। व्हाट? मुझे भी? हाय रब्बा, सात जन्मों का बंधन, आई टेल यू, क्या बात है। स्टॉप एक्टिंग फनी एंड सिट अ चेयर अवे। फाइन। आर यू गाइस हियर फॉर द ब्रीफिंग? Yeah. Please come upstairs. Sure. Whoa. I'm really sorry. तुम पागल हो क्या? तुमने जानबूझ के मेरा पोर्टफोलियो खराब किया ना? अरे जानबूझ के नहीं किया यार। अच्छा hold this cup. Are you mad? तुम पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? Sorry. चलो briefing के लिए चलते हैं। Sorry. Is she mad? क्या है यार ये? Good morning, guys. I'm Monica, your boss and the designer of this house. Hello, ma'am. Ma'am, what's this, ma'am? It's Monica. And listen to me. तुम में से एक designer, assistant designer की internship के लिए confirm होगा. I'll let you know in a month's time. Sure, ma'am. Hell is this? देखो ये सब हरकतें यहां नहीं चलने वाली। ओके मैम, जस्ट अ मिनट। मैम एक्चुअली ये गेटअप इज अ पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन। ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने क्लाइंट्स को इससे बचाए कैसे। So that's why introducing the front flap pants. Interesting. I'm loving it. Congratulations. Keep it up. Bravo. Thank you, ma'am. Huh. I guess it's time for my special ingredient. Pyaar. Listen. मैंने रूल्स बनाया, जाके अपने कबर्ड में लगा दो, so that you don't forget, okay? Wow, this is so tasty, man. Listen to me. Rule number one, TTS. Tuesday, Thursday and Saturday. बेड पे मैं सोऊंगी, okay? Sundays हम डिवाइड करेंगे, first Sunday तुम्हारा, second मेरा. Second rule, morning में बाथरूम सबसे पहले मैं यूज करूंगी. तुम अगर मेरे पहले गए ना तो तुम देख लो. Rule number three. Very important. Toilet seat will always be up. Okay? Rule number four. Ghar hamesha clean. Tum pagal ho? Tumhe dance suit jaye? Main yahan pe rules bol rahi hu na? Okay. Khana kha lo, phir aaram se padhna, theek hai? Did you just throw my rules in the dustbin? Raddi dustbin mein hi jaati hai. Tumhe kya lagta hai? कि मैं एक स्टूपिड की तरह तुम्हारे ये रूल्स फॉलो करूंगा घर पे? किंडरगार्टन में हूं क्या मैं? लिसन, देयर आर नो रूल्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ओके? हेलो, तुम आए थे मेरे पास, रिक्वेस्ट करें प्लीज मेरे साथ रहो, यू वर प्लीडिंग, रिमेंबर? आई वाज एक्टिंग। यू हैव नो आईडिया, आई कैन मेक अ लाइफ मिजरेबल। लेट्स सी कौन किसकी लाइफ मिजरेबल बनाता है, वाइफी? सो इंपॉसिबल। गुड डैम चार्मिंग। माँ पापा मुझे आज भी विश नहीं करेंगे
मेरा ऑफिस में कल पहला दिन है। हम लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट बेटा। ओके चलो मैं रखती हूँ, गुड नाइट। गणपति जी कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, प्लीज मदद कर लेना। चलो गुड नाइट वाइफी, आई एम गोइंग टू स्लीप। जो आपका पहला डे है जो इवेंचुअली मुझे मिलने वाला है, सो टेक मी अप। व्हाट द हेल, पर आपने अगर रूल्स पढ़ते तो इतना शौक नहीं होता तुम्हें। आज ट्यूसडे है एंड इट्स नाइट ऑन द बेड। ओके गुड नाइट। थोड़ी सी हरी है पर भरी नहीं है, दो दिन तो चलेगी। अरे क्या है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तुम पागल हो क्या, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये बिहेवियर ना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ओके स्टूपिड लेजी इडियट गाय का। तेरे बॉस को इंप्रेस करना हो ना तो स्टे फ्रेश ऑल डे, उसके लिए पार्क एवेन्यू डी से बेटर और क्या होता है। नाइस सर। मेरी चीजों को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम और तुम्हारा स्टूपिड एटीट्यूड। हेलो बेटा, इतना सामान है तुषार उनके हाथ में। चलो उठाओ आंटी, इसको दे दो। हाँ लो। थैंक यू बेटा। क्या बात है आंटी, इतना सामान, गिफ्ट्स। आज रात को पार्टी है और तुम्हें अपनी वाइफ को लेके आना है। आंटी वो शायद शाम को हमें कहीं जाना है। कोई बहाना किया ना तो घर खाली करवा लूंगी। फिर तो आंटी आना ही पड़ेगा। लाइए। बाय आंटी। तुषार जल्दी आओ ना। हाँ रुको रुको एक मिनट। चलो चलो चलो। रिक्शा रिक्शा। अरे सोनिया ऑटो, एक मिनट रुको रुको रुको। चलो 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 सोनिया। रुको रुको रुको। अच्छा चलो चलो रिक्शा रिक्शा। अरे रुको। So guys, are your presentations ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, चलो मेरे cabin में। But तुषार नजर नहीं आ रहा। Ma'am, he's late. When he comes back, I want all of you in my cabin. Okay? He's in lot of trouble. Wow, Sonia, तेरे portfolio तो बहुत अच्छे हैं। ये job तो पक्का तुझे मिलने वाली है। Thank God, presentation start नहीं हुई ना? बच्चू, तेरे वजह से सबके presentation late हुए हैं। बड़े साहब आ गए तो presentation शुरू करें? हाँ। Thank you. अब भी करा दो तेरी presentation. Good morning, guys. Good morning, ma'am. और तुम तुषार, ये मेरा designer house है. So we're not wait for you. This is my last warning to you. इसके बाद गलती की तो तुम यहाँ नहीं रहोगे. So, who's going to show me the portfolio first? Sonia, you go first. Thank you.
What nonsense is this? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैम, मैम आई स्वेयर मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था. I have no idea ये सब कहाँ से. Are you trying to tell me somebody's playing pranks with you? तो मुझे उसका नाम बताओ. I will make sure वो यहाँ नहीं रहेगा. No, ma'am, nothing like that. It's just that I. तो ठीक है. I'm giving you 2 hours. Get me a fresh portfolio, okay? I'm sorry, ma'am. Sonia, what's wrong with you? सोनिया पक्का ये तुषार ने किया होगा क्योंकि मैंने उसे तेरी पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था. तूने मैम को क्यों नहीं बताया? हाँ माँ. बेटा कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? हाँ प्रेजेंटेशन अच्छा था. पसंद आया तुम्हारी बॉस को? हाँ मैम को सारे डिजाइन भी पसंद आए. बेटा तुम रो क्यों रही हो? नहीं क्यों? बेटा तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि उस शायद मैं कैंटीन में बैठी हूँ इसलिए वो तड़का लगा रहे थे ना. तो सोनिया तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ. माँ मैं प्लीज आपसे थोड़ी देर में बात करूँ? ठीक है बेटा, फोन करना जरूर. हाँ बाय प्लीज. सोनिया तूने झूठ क्यों बोला? ये सब कुछ तुषार ने किया है और तुषार को देखकर ये नहीं लगता कि उसे इस जॉब की जरूरत है. सिर्फ टाइम पास कर रहा है वो तेरी प्रॉब्लम्स कभी नहीं समझने वाला है. यू नो व्हाट निकी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि गलती करने से बड़ा माफ कर देने वाला होता है. तुषार ने तो गलती की ही है लेकिन ऐसे मैम से बुलवा कर उसे फायर कर देना यार उसका करियर बनने के पहले ही खत्म हो जाएगा. एंड आई डोंट थिंक दैट्स राइट. तुम स्मॉल टाउन लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है. थोड़ा तो प्रैक्टिकल होके सोच, ऐसे पीछे हमेशा रह जाएगी तू. छोड़ ना ये सब कुछ. अच्छा सुन, मुझे बहुत काम करना है, मैम को प्रेजेंटेशन दिखाना है, रहने दे. सोनिया, सोनिया वो मैं ये बोलने आया था कि वो जो जो सोनिया सोनिया लिसन टू मी. देखो ये तुम्हारी रूल बुक में तो नहीं था बट आज का डिनर ना मैंने कुक किया है. अरे लिसन, डोंट वरी, मैंने इसमें बियर डाल के इसको कुक नहीं किया. आई स्वेयर. तुमने जो आज किया है ना उसके बाद आई कांट ट्रस्ट यू. अरे यार अब ना बिल्कुल अकेले नहीं खाया जाएगा, प्लीज साथ में डिनर कर लो ना. थैंक्स टू यू मैंने सुबह से एक कप कॉफी भी नहीं पी है. अरे यार गलती मेरी थी, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? ये लो खा लो प्लीज प्लीज. मुझे बहुत भूख लगी है. लो. थैंक्स. वैसे पार्क एवेन्यूज बिग अकाउंट इज कमिंग अप. सुना है कि जो भी इंटर्न सबसे अच्छे डिजाइन बनाएगा और सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा he or she has the maximum chances of getting the job. Aur brief bhi bahut simple hai, long lasting all day freshness for a spontaneous man like me. वैसे मैं भी रोज पार्क एवेन्यू यूज करता हूँ.
तो ये आपके लिए Yeah. अरे भाई एक दूसरे को पहनाओ नहीं अंकल अच्छो क्या हम खुली पहनाना तो पड़ेगा Come on स्पेशल गेम खेलेंगे हाँ एवरीबडी इज रेडी लेट मी एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम आपके पास कुछ पेपर्स हैं यहाँ मौजूद हर कपल को उस पेपर के ऊपर डांस करना है जैसे ही म्यूजिक रुकेगा ये पेपर फोल्ड कर दिया जाएगा और आप सबको डांस ऐसे करना है कि आपका स्टेप पेपर के बाहर नहीं जाना चाहिए अगर स्टेप बाहर गया तो आप आउट लेट्स स्टार्ट कम ऑन एवरीबडी कम ऑन सारों को ये भी नहीं पता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं ही नहीं मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट सीरियसली यू माय वाइफ हेलो यू माय हस्बैंड शक्ल देखिए अम्मी देखिए हजारों बार वन इन अ मिलियन शक्ल है मेरी ये वन इन अ मिलियन शक्ल के पीछे मिलियन राज छुपे हुए हैं मेरे कौन से राज और वैसे भी तुम भी तो मैंने क्या छुपाया है यार mom was so hard all her life ना she wanted to study she couldn't study she wanted to work she couldn't work तब वो चाहती है कि अपनी बेटी के सारे dreams पूरे हों और मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ बस कभी कभी डर लगता है कि फेल ना कर दूंगा एनीवे तुम बताओ तुम अकेले में वो किसकी फोटो देखते रहते हो वो है कोई जिसका मेरे हाथ से कोई वास्ता नहीं छोड़ो ना ओके
जो चीज तुम्हें सैड बना रही है हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम डांस करेंगे। Come on, let's go. Isn't it late? Sone chale? Yeah. I'll go sleep. Yeah, you take the bed. I'll take it. Bye, good night. Bye-bye. अगले एक घंटे में तुम सबको पार्क एवेन्यू फैशन शो के डिजाइन सबमिट करने हैं। वैसे मैम, आई यूज पार्क एवेन्यू डियो एवरी डे। दैट्स द रीजन आई स्टे फ्रेश ऑल डे। वेल यस, आई हैव नोटिस्ड दैट। वेल, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, बेस्ड ऑन दीज डिजाइन्स आप में से एक को इंटर्न कंफर्म किया जाएगा। ऑल द बेस्ट। अभी खाने खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारा काम बचा है। सुनो, खाली पेट कोई काम नहीं होता है, और जो काम खाली पेट होता है ना वो हमेशा अधूरा रहता है। चलो खा लो जल्दी। हेलो मिस्टर त्रिका। हेलो मोनिका। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया। आई होप यू विल नॉट लेट अस डाउन। बिल्कुल नहीं, एवरीथिंग इज रेडी। आप मेरे साथ कैबिन में ऊपर चलिए, प्लीज आइए। लिसन, ये जो मोनिका मैम के साथ ऊपर जा रहे हैं, वो कौन है? थैंक यू। तुषार अपने पापा के साथ नहीं रहता है, इन दोनों के बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। ओह, ओह, क्या हुआ तुझे? हैव अ सीट। आर यू ओके? पता नहीं, पेट में सडनली बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? तूने ये सैंडविचेस खाए हैं ना? ये प्लान था उसका। ये कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट का बेटा है।
सोनिया उसने तुझे बेवकूफ बनाया अपने सिली ईगो इशू के वजह से. He had made you eat this contaminated food. What a mastermind. सोनिया तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई क्या? What happened? Just leave. I don't want to talk to you. Yeah, I swear I didn't know this food was. Prashant, just leave. You know what? तुमसे बड़ा opportunist मैंने आज तक नहीं देखा है. For a second मुझे genuinely लगा था कि तुम बदल गए हो. तुम बाहर से जैसी हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा होगा. Guess I was wrong. तुम्हारा दिल भी ना तुम्हारे जैसे बुरा और सड़ा हुआ है. I don't believe in the first place. मैंने तुम्हें trust भी कैसे किया? तुम जैसे लोगों पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए. You guys are not worth it. सब बर्बाद हो गया. मेरी मेहनत, मेरी इंटर्नशिप, सब कुछ. मैं मॉम को क्या बोलूंगी? जा तू तेरा प्रेजेंटेशन तैयार कर. मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी. सोनिया एक बार तो ट्राई कर ले. क्या ट्राई करूं? तुझे लगता है मेरा कोई चांस है? मैंने अब तक अपनी डिजाइंस कंप्लीट नहीं की है. मेरे पास कभी चांस था ही नहीं यार. I didn't have a chance at all. सोनिया ये लो मेडिसिन. सोनिया जस्ट हैव द मेडिसिन. देखो सोनिया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है. मेरे डैड ने तो मुझे कभी कैपेबल समझा ही नहीं. वो तो चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूं एज एन एसोसिएट. बट मुझे लगा लोग हंसेंगे यार, या जो कुछ भी है बाप की वजह से. और वैसे भी मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था और उनको लगता था ये काम लड़कियों वाला है. मुझे अपने आप को प्रूव करना है सोनिया, इसीलिए मैं इस घर में रहता हूँ. क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे मिस्टर त्रिका का बेटा होने के वैसे जाने. और तुम्हें विश्वास तो नहीं होगा बट मैं अपने ड्रीम में भी कभी तुम्हें हार्म करने की नहीं सोच सकता. हेलो सर, कैसे हो? तो सर जी, डॉक्यूमेंट में कुछ आपके साइन चाहिए थे. एक्चुअली सर, मैं ये फ्लैट खाली करके ना कल जा रहा हूँ. आप ये फ्लैट उस लड़की को दे दीजिए. कहीं आप दोनों के बीच कुछ पंगा तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, फेक मैरिज कब तक चलती? आजकल तो ओरिजिनल नहीं चलती. चलो. सोनिया, मैम तुझे बुला रही, जल्दी से जाओ. गो फास्ट. Hello Sonia, how are you feeling now? I'm good, ma'am. Thank you. उस दिन कैंटीन की खाने की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए थे. मेरी सेक्रेटरी भी काफी बीमार थी. By the way, congratulations Sonia. You have got the job. But ma'am, I didn't even submit the designs. तो job कैसे? 1 minute. ये तुषार ने सबमिट किया. मैम, honestly, I can't take the complete credit for these designs. इन्हें तुषार ने कंप्लीट किया.
तो अगर आप मुझे जॉब के लिए हायर कर रहे हैं तो उसे भी एज अ वर्किंग पार्टनर हायर कर लीजिए प्लीज. हेलो हेलो सोनिया जी, मैं ब्रोकर सार जी जा रहे हैं. व्हाट मैम, यू प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस फोन. दिल भी ना तुम्हारे जैसे बुरा और सड़ा हुआ है. आई डोंट बिलीव इन द फर्स्ट प्लेस मैंने तुम्हें ट्रस्ट भी कैसे किया. तुम जैसे लोगों पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए. यू गाइस आर नॉट वर्थ इट. सॉरी, तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते. लीज खत्म होने के पहले फ्लैट छोड़ के जाना नॉट अलाउड एंड दैट्स माय न्यू रूल. क्या? Listen, I know everything. Thank you. And I've got news for you कि हम दोनों कल से as working partners इस फर्म में काम कर रहे हैं. We got the job. We? Yeah. What are you talking about? You're such a tube light ना. तो छोड़ो ये सब, तुम्हें सब बैठ के अभी explain करना पड़ेगा. तुम्हें explain करने की इतनी आदत है, रह पाओगी बिना एक्सप्लेन किए? हेलो, तुम्हें पता भी एक्सप्लेन कब किया जाता है? हाँ बिल्कुल, जब किसी को ना एक्सप्लेन करने की बहुत बुरी बीमारी हो तब. You're just really stupid. एक्सप्लेन तब किया जाता है जब सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता. अच्छा, और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही. मुश्किल अच्छा, वैसे तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में इतनी खिटपिट क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमने अब तक गृह प्रवेश नहीं किया है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है. ठीक यार, what is wrong with you? क्या?